नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कला से प्रेरणा लेंगे वो महाभारत से आई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कलमकारी की। कहते हैं कि महाभारत से यह कला चली आ रही है और इन पेंटिंग्स में भी हमें महाभारत की कहानियाँ और दृश्य देखने को मिलेंगे। इन पेंटिंग्स को कॉटन या सिल्क के कपड़ों पर कलम से किया जाता है। यह जो कलम है यह बनी होती है बांबू के स्टिक से। कलमकारी ये जो शब्द है ये पर्शियन शब्द है। इसके लिए नैसर्गिक रंगों का इस्तेमाल होता है। इसके मूलतः दो प्रकार है, मछलीपट्टनम और श्रीकलाहस्ती। आंध्र प्रदेश के इन्हीं हिस्सों से इसका उगम हुआ। मछलीपट्टनम स्टाइल में वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है। इसमें ज़्यादातर क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे जो इंडो पर्शियन डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। श्रीकलाहस्ती स्टाइल में एंटायर डिज़ाइन इज ड्रॉन बाय कलम। द पेन is made by bamboo stick, cotton and sponge which acts as a brush. Outlines are drawn by tamarind stick. इस कला को बनाने में काफ़ी संयम और समय चाहिए। Thank you.
Thank you.